My name is Sanket Purohit. I am from Sanket Group of Coaching. Today we are going to see exercise 14 from GSEB board, that is chapter number 12, Heron's formula from your NCERT textbook. There are altogether 11 sums in this. So let us begin with our very first sum. It is given that find the area of regular hexagon ABCDEF as shown in figure, where the length of each side is 4 cm and O is the midpoint of the diagonals FC, DA and BE and their lengths are 8 cm. So, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो hexagon बना रहा हूँ. Sum number 1, ये देखिए. 6 sides. फिर यहां से हर एक डायगनल्स ऐसे निकल रहे हैं लाइक दिस. अगर आप लोग देखोगे तो ये नेम्स है ए बी सी डी ई और एफ. ये है ओ मिड पॉइंट, हर एक डायगनल्स का मिड पॉइंट है और ये ओवरऑल मिड पॉइंट जो मतलब डायगनल्स है वो दे दिए है 8 सेंटीमीटर और हर एक साइड जो दी है वो है 4 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो अब डायगनल्स जो है वो 8-8 सेंटीमीटर्स के हैं और डायगनल्स जो है वो मिड पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये आप लोगों का होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. दैट मींस योर ईच एंड एवरी ट्राइंगल इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, सो ऑल टूगेदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर देयर to make your hexagon. So what we will do is area of hexagon straight away मैं लिखूंगा is equals to 6 times area of equilateral triangle. क्यों equilateral triangle लिया? क्योंकि हर एक side जो है वो 4 centimeter हो. तो 6 into एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. अब साइड जो है वो आप लोगों की क्या है? 4 स्क्वायर. सो 2 3s are 2 2s are 3 √3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर इज 16. 2 1s are 2 8s are 3 8s are 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ हेक्सागोन. देखो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर. अब ये पूरा 8 है, अगर O मिड पॉइंट है तो ये भी आएगा 4 सेंटीमीटर. तो हर एक सेंटीमीटर 4 4 4 4 4 रहता है, इसीलिए एरिया ऑफ हेक्सागोन बन जाएगा 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. जैसे ही मैंने अप्लाई किया, योर फाइनल आंसर इज 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स द एंड ऑफ योर फर्स्ट सम बच्चों. सम नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट सम, बिकॉज अगर आप लोग देखोगे ये सम में आप लोगों को डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन देखो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है. अब कैसे फाइंड करना है वो देखो. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर एबी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड डीए इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो एबी और सीडी है ना, पैरेलल दिया हुआ है. अगर ये दो पैरेलल है, दैट मींस ये आप लोगों का ट्रेपेजियम जैसा दिखेगा. अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है विद दिस नॉन पैरेलल साइड्स नॉट इक्वल, देन व्हाट हम लोगों ने देखा था, यहां से एक ऐसी ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे और इसको नाम दे देंगे एम. तो ए बी सी एम विल बी योर व्हाट वी से एस पैरेललोग्राम. दैट मींस एबी और एमसी 9 सेंटीमीटर होगा और बीसी और एएमबी आप लोगों का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब ये ओवरऑल 12 है जिसमें ये 9 है, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. आप लोगों को भले ही ट्रेपेजियम नहीं दिया है, ये बच्चों खास ध्यान रखना, फिर भी आप लोगों को यही मेथड से ये सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब आप लोग देख सकते हो कि इन ट्राइंगल एडीएम A is equals to 11 centimeter, B is equals to 3 centimeter and C is equals to 10 centimeter. 11, 3 and 10. ठीक है? Then S is equals to A plus B plus C divide by 2. 11 plus 3 plus 10 upon 2. 11 plus 3, 14 plus 10, 24. 24 divide by 2 is your 12 centimeter. ये आपका 12 centimeter आ गया. अब
एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. व्हाट इज योर एस 12 देन 12 माइनस 11 12 माइनस 3 एंड 12 माइनस 10. 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 दिस इज 1. 12 माइनस 3 इज 9 एंड 12 माइनस 2 इज 2. अब देखो ये 9 जो है बाहर निकलेगा तो 3 और ये बाहर निकलेगा तो 2 और अंडर रूट 6. तो 3 टू 6 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया. फिर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है. तो दिखता है क्वाड्रिलेटरल लेकिन है कैसा आपका, ये ट्रेपेजियम है. तो यहां से मैं एक और लाइन ले लूंगा और इसको नाम देता हूं एन. तो अब एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बच्चों बराबर है, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का सम किया है वैसा ही है. तो 6 रूट 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज योर बेस, बेस इज 3 एंड हाइट आपको फाइंड करनी है. तो ये यहां पे आ जाएगा 2 6 रूट 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू हाइट. इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, हम लोग जैसे हर एक सम में करते आ रहे हैं वैसे. तो इसको नाम दे दो एच सेंटीमीटर. ठीक है, एच इज इक्वल टू 2 6 रूट 6 अपॉन 3. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो इट इज 9 प्लस 12 इंटू हाइट एंड हाइट इज 2 6 जा मैं सीधा 12 रूट 6 अपॉन 3 लिखूंगा. 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा. ठीक है, सो अब 9 प्लस 12 कितना है, 21 इंटू 2 रूट 6. सो योर आंसर इज 42 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट्स द एंड ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट सम विच इज सम नंबर 2. ये याद रखना हाँ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है. मूविंग अहेड सम नंबर 3. It is given a bulk of triangular tiles of length 3 cm, 4 cm and 5 cm is to be used for flooring with an area 216 cm square. मतलब area दे दिया है. Find how many tiles should be used for the flooring. Find the total cost of polishing the tiles at the rate of rupees 2.75 per centimeter square. मतलब पूरे रूम का एरिया दे दिया है. अब वो रूम में कितनी टाइल्स ट्राइंगुलर टाइल्स फिट करनी है वो आपको फाइंड करना है. पहले नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करेंगे तो एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे जिसमें ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये ट्रिपलेट है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है तो हम लोग स्ट्रेट अवे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लेंगे. तो हाफ इंटू बेस होगा 4 और हाइट होगी 3. हमेशा याद रखना ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है. हाइपोटेन्यूस होने की वजह से हम लोग ये ना ही बेस लेंगे ना ही हाइट लेंगे. तो 2 1 जा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया है. अब ओवरऑल एरिया ऑफ रूम कितना दे दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितनी साइड टाइल्स आएगी तो ये देखो पर सेंटीमीटर सॉरी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम. देन बराबर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन टाइल. Then what will be the number of tiles? Number of tiles will be 216 multiplied by 1 divided by 6 and that is nothing but 636. So 36 tiles will be used to find 216 centimeter area of room. ये जो area है उसमें कितनी tiles fit होगी? 36 tiles fit होगी. Now, आप लोगों को क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 2.75 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ओवरऑल एरिया पता है विच इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर, तो अब आपके पास रेट है एरिया है तो यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी रूपीज. सो
पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपीज है? रुपीज 2.75। तो टोटल कितना एरिया है? 216। तो पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी हाउ मच? 216 इंटू रुपीज 2.75 इज नथिंग बट रुपीज 594। एंड दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर थर्ड बच्चों। मूविंग अहेड सम नंबर फोर। An umbrella is to be made by stitching 8 triangular pieces of clothes with lengths 17 cm, 17 cm and 16 cm. Find how much cloth is required for the umbrella. So, 8 pieces ke umbrella hai, to pehle 1 piece ka find karenge. A is equals to 17 cm, B is equals to 17 cm and C is equals to 16 cm. Then S will be A plus B plus C divided by 2. 17 plus 17 34 plus 16 is 50. 50 divided by 2 and that is equals to 25 cm. Then area find karenge, to area is equals to under root S, S minus A, S minus B, S minus C. 25 minus 17, 25 minus 17 and 25 minus 16. अब 25 है जो perfect square है 5, फिर ये जो है वो 8 होगा और ये आएगा 9. तो 5 into 8, 40, 49 जा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका एरिया ऑफ अ क्लोथ। देयर इज वन मिस्टेक, ये 9 जो है उसकी जगह बाहर आएगा, सॉरी 3, सो ये हो जाएगा आपका 120। तो एक एरिया मतलब एक क्लोथ का एरिया कितना है? पर वन क्लोथ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अपने को तो 8 क्लोथ्स करने हैं, तो 8 क्लोथ्स बराबर कितना? 8 इंटू 120 एंड दैट इज इक्वल्स टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर फोर्थ बच्चों। सम नंबर फाइव। Find the area of triangle whose lengths of sides are 6 cm, 8 cm and 10 cm. So, A is equals to 6 cm, B is equals to 8 cm and C is equals to 10 cm. Lekin, agar aap log aise dekhoge 6, 8, to ye definitely 10 aayega. 6 ka square 36. 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 का अंडर रूट 10, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6, सॉरी 8 इंटू 6, 8 6 जा 48 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 24 सेंटीमीटर, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर फिफ्थ बच्चों। Moving ahead, sum number 6th, ये आपकी textbook जैसा है, if the length of the sides are of a triangle are in proportion 25 is to 17 is to 12 and its perimeter is 540 meter, then find the lengths of the largest and the smallest altitudes. So, A is to B is to C is in proportion है, वो होगा आप लोगों का A is to B is to C, 25 is to 17 is to 12. So, let A is equals to 25x, B is equals to 17x and C is equals to 12x. Then, perimeter is given which is A plus B plus C और यहाँ पे आ गया है 540, तो 25x plus 17x plus 12x which is nothing but 540 is equals to 54x and x is equals to 540 divided by 54 and that is 10 centimeter. That means your A is equals to 25 into 10, that is 250. B is equals to 17 into 10 and that is 170 and C is equals to 12 into 10 and that is 120 centimeters each. Now, S, as you know, all know, perimeter upon 2, so 540 divided by 2 and that is 270 centimeters. So area will be, आप सबको अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए कि इसका आंसर आने वाला है 9000 centimeter square. So S, S minus A, S minus B and S minus C. What is S? S is 270, then 270 minus 250, then 270 minus 170,
एंड 270 माइनस 120। अब 270 को मैं लिखूंगा 27 टेंजा, ये होगा 20, ये होगा 100 और ये होगा 150। 100 बाहर निकलेगा तो आएगा 10, 27 को लिखूंगा 9 थ्रीजा, ये 10 एज इट इज, इसको मैं लिखूंगा 2 टेंजा और इसको मैं लिखूंगा 15 टेंजा। ठीक है, 9 बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, 2 टाइम्स 10 है तो बाहर आएगा सिंगल टाइम 10। अब देखो अंदर क्या बचा, 3 2 सा 6 बराबर इंटू 15 इंटू 10। ठीक है, तो 3 2 सा 6 15 सा 90, 900 ये हो गया और ये जो है वो हो गया आपका 300। तो 900 जब बाहर निकलेगा तो वो कैसा आएगा, 30 का स्क्वायर रूट, तो 3 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर टू सम नंबर 6। बच्चों मूविंग अहेड टुवर्ड्स अवर सेवेंथ सम। सेवेंथ सम में आप लोग अगर ये देखो, मैंने डायग्राम बनाया है, ये 3D व्यू ऑफ प्रिज्म है। तो प्रिज्म का नीचे का जो बेस है वो आप लोगों को क्या दिख रहा है, वो नीचे का जो बेस है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अब आप क्वेश्चन सुनिए। इन फिगर 14.11 BC is equals to 5 cm, CD is equals to 3 cm and CF is equals to 6 cm. Find the area occupied by the prism on the table. तो on the table जो prism रखा हुआ है उसका आप लोगों को क्या find करना है, उसका आपको find करना है area। मतलब ये जो बना हुआ चीज है वो nothing but it is a parallelogram. As it is a parallelogram, तो आप अगर मैं नीचे का सिर्फ नीचे का view बना रहा हूँ तो आप देखो ये है B, ये है C, ये है D और ये F। अब पैरेललोग्राम है, ये आपको दे दिया है 6, ये है आपका 5 और ये है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो इफ A इज इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम 3 सेंटीमीटर, B is equals to 5 cm and C is equals to 6 cm. Then what will be our S? S is A plus B plus C divided by 2. Then 3 plus 5, 8. 8 plus 6, 14 divided by 2. And that is equals to 7 cm. Area. Area is nothing but S. S minus A. S minus B. And S minus C. What is S? 7. Then 7 minus 3, 7 minus 5 and 7 minus 6. What is 7? So 7 is prime number, so as it is, 7 minus 3 is 4, 2 and 1. If 4 bar will come out, 2 and under root will come out, 2 under root 14 cm square, sirf itne ka area aaya. So ye wala bhi kitna hoga? So that will be, so overall area hum log find karenge. So overall area is nothing but 2 root 14 plus 2 root 14 and that is nothing but 4 root 14 centimeter square and that's the end of sum number 7th. Bachcho moving ahead, mark this sum 8 number as IMP1. So main mark kar deta hu IMP aur question ab dekho, question aisa hai ki the base of a triangular field is twice its altitude and the cost of the cultivating field is ₹30 per hectare and the total cost is 480. ठीक है, so find the length of the base and altitude of that triangular field. तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये देखो कि एक triangular field है, cost per hectare जो है, cost per hectare वो है ₹30 और overall cost क्या है is ₹480. So can I find the area of this triangular field from this given data? Obviously, it is nothing but area will be overall cost upon cost per hectare. So it will be 480 divided by 30 and that is 16 hectare. Now you are given that 1 hectare is equals to 10,000 meter square. So if 1 hectare is equals to 10,000 meter square, then 16 hectares will be how much? 16
into 10,000 is nothing but 1,60,000 meter square. ये आया area of triangular field. Now you are given, ठीक है? Your base is twice the altitude. ऐसा लिखा है. The base of the triangular field is twice its altitude. So let altitude is equals to x. तो base हो जाएगा उसका 2x. तो आपका ये x है, ये है आपका 2x. Can you find area? Obviously area is equals to half into base into height. Area आपके पास पता है, आपको base और height find करना है. 1,60,000 into half into base है 2x into x. ये 2 और ये 2 गया, बराबर है. तो 1,60,000 is equals to x square आए, ठीक है. 1,60,000, अब 60 is a perfect square, किसका? तो x जो होगा, ठीक है, वो क्या आएगा? तो 4 और ये 00, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई. ये x square है, तो ये हो गया x, और ये आया मीटर, मतलब आपका जो altitude है, वो आ गया 400 मीटर, whereas your base, which is 2x, so that will be 2 into 400, is nothing but 800 meter. So mark this as important. We have already seen this kind of sum. We have already done that in RS Agarwal, जो हमारा online session में RS Agarwal चल रहा है, उसमें ये वाला सम देखा है. So that's the end of sum number 8, बच्चों. Moving ahead, this is very interesting. If the length of the side of a square is 5 meter, मतलब आपको ऐसा दिया है कि ये square है, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, तो ऑब्वियसली ये हो गया सब 5 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों चार साइड इक्वल होती है. देन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू रोम्बस हुज मेजर डायगोनल हैज लेंथ, इसको हम लोग मेजर डायगोनल बोलेंगे, और ये है 8 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. तो अब खास ध्यान देना, कल ही मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degrees. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हम लोग अब स्क्वायर का नाम दे देंगे, जो अभी रोम्बस भी है, तो एबीसीडी डायगोनल एसी को हम लोग ने ए बी, और डीडी को हम लोग, और ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है ओ. अब ये जो पूरा 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 मीटर ईच, ठीक है. सो AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू 4 मीटर. अब आप देखोगे तो हर एक ये राइट एंगल बनेगा, तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ OB इन ट्राइंगल AOB. अब देखो O जो है वो आपका 90 डिग्री है, एंड AO square plus OB square is equals to AB square. तो phi का square वो होगा ये, AO square पता है 4 का square plus OB square, as it is 4 का square कितना होगा 16 plus OB square is equals to 25. So OB square is equals to 25 minus 16 which is equals to 9. So OB is equals to 3 meter. अगर OB 3 meter है, तो OB is equals to OD and therefore your diagonal BD will be OB plus OD. OB plus OD which is 3 plus 3 and 6 meter. ठीक है. And now as you all know, what is the area of rhombus? Area of rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2. Half into, what is your diagonal 1 which is given 8 meter, and what is the diagonal 2 which you got 6? 48 divided by 2, and that will be 24 meter. That's the end of sum number 9. Mark this as also important question. Sum number 10th, which is very simple. If the area of rhombus is 100 centimeter square, area of rhombus दे दिया है 100 centimeter square,
and the length of one of its diagonal is 8 cm, find the length of another diagonal. That means D1 is given 8 cm, you need to find D2. As you all know, what is area of rhombus? Area of rhombus is nothing but half into D1 into D2. 100 is equals to half into 8 into D2. 2 ones are 2, 4s are. ये 100 और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 4 d2, सो d2 इज इक्वल टू 100 बाय 4 25 सेंटीमीटर. दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 10 बच्चों. सम नंबर 11 मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. ये अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं. ये क्या है? बहुत ही सिंपल सम है. बोथ of the parallel sides of trapezium are 8 cm and 16 cm. Non-parallel sides are congruent, each being 10 cm. Then find the area of trapezium. अब तक हम लोगों ने जितने भी sums देखे थे regarding या related to your trapezium, उसमें ये non-parallel sides जो थी वो अलग थी. अब इसमें क्या है? सेम है. पैरेलल साइड्स में ये देखो 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग नाम दे देंगे एबीसीडी, और ये है 16 सेंटीमीटर. और नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन इक्वल व्हिच इज 10 सेंटीमीटर ईच. अब हम लोग क्या करेंगे पता है? बार बार हम लोग ट्राइंगल फिर हाइट ऐसा करते थे. अब इसमें ट्राइंगल और हाइट नहीं करेंगे. इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे ट्रेपेजियम को दो तीन इक्वल हिस्सों में बांट दे रहा हूँ. यहाँ से ए एम परपेंडिकुलर टू सी डी, बी एन परपेंडिकुलर टू सी डी. तो ये बन गया आप लोगों का रेक्टेंगल. ठीक है, ये बन गया आप लोगों का रेक्टेंगल. एज यू कैन सी, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है ए बी, तो ये एम एम भी होगा 8 सेंटीमीटर. बराबर है? तो अब बचा क्या? 16 minus 8, 8. तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा 4, और ये वाला भी हिस्सा होगा आपका 4 सेंटीमीटर ईच. अब खास ध्यान से देखना, तो पूरा हम लोग लिखेंगे कि AM let AM perpendicular to CD, let BN perpendicular to CD. Okay, as you can see ABNM is a rectangle. ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया. सो एम एन विल बी 8 सेंटीमीटर. सो इट इज ऑब्वियस ऑब्वियस दैट डी एम इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी एन इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब ये 4 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल है. सो अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए एम बी एन आई से ए डी आपको पता है, एम डी पता है, तो मुझे ए एम मिल जाएगा. ऑब्वियसली यस, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर. व्हाट इज योर ए एम स्क्वायर? फाइंड करना है एम डी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर. ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 100. तो AM square will be 100 minus 16 and that is equals to 84. ठीक है, तो AM can be written as under root 84. Under root 84 can be written as 12 sevens. ध्यान से देखना, 12 को मैं वापस स्प्लिट करूंगा 4 3 7 और ये 4 जब बाहर निकलेगा 2 root 21 सेंटीमीटर. ये आई हाइट. ये सब हम लोग ने बिजनेस किया ही इसीलिए है. क्यों किया है? क्योंकि अपने को चाहिए हाइट. बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट. सो हाइट मिल गई, पैरेलल साइड्स तो है ही. तो नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मींस एबी प्लस सीडी and into height. This is also same and this is also same. So height is, let's say, AM. So half into 8 plus 16 into 2 root 21. 2 and 2 gets cancelled. 8 plus 16 is 24 root 21 centimeter square. And that's the end of our sum number 11. And exercise, what we say as 14 from Gujarat Board Solution.
If you have gone through this video, please like करें, share करें और subscribe करना बिल्कुल भी भूलना मत. और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं वीडियो बहुत अच्छी बना रहा हूँ तो प्लीज कमेंट भी करना. थैंक यू वेरी मच. आई एम संकेत पुरोहित फ्रॉम संकेत ग्रुप ऑफ कोचिंग. बाय बाय फ्रेंड्स.